इतना बड़ा वीणा है जो अभी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर बनाया गया है। अभी कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं तो पटना से आया हूँ राइड करके, है ना। अभी हम श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद है। अभी हमारे साथ एक ब्लॉगर सर है जो ब्लॉगिंग करते हैं और काफी अच्छा मुझे ब्लॉग लगता है इनका, और अभी पटना से चलकर अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। जय श्री राम। और भाई आप अयोध्या में कैसा, आपको आप बताइए पहले। बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ का। अयोध्या धाम कैसा लगा? बहुत अच्छा। और मैं कल आया था और मैं यहाँ जो देखा है ना, और ये जो काया कल्प हुआ है आज से, मतलब जो 3-4 साल पहले और अब का अयोध्या में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बहुत ज्यादा बदलाव बदलाव हुआ है। आपने धर्म पद देखा है जो हमारे ठीक पीछे है, क्या खूबसूरत बनाया गया है ना। दिल खुश हो गया भाई, मतलब स्वर्ग से सुंदर लग रहा है ये। अभी कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं तो पटना से आया हूँ राइड करके, है ना। और राइडिंग करते हैं आप? हाँ राइडिंग भी करते हैं और ट्रेन जर्नी का ब्लॉग आता है, ट्रेन जर्नी करते हैं ज्यादातर। और बहुत अच्छा लगा के यहाँ पे। यहाँ कैसा लगा, यहाँ के जो सुविधा है? नहीं नहीं बहुत अच्छा है। मैं तो कल आया ना बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे जो प्रशासन भी है ना, लोगों को कोऑपरेट कर रही है ना, जो भी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ के कहाँ के रहने वाले? मैं हूँ पटना बिहार का। पटना बिहार, हम भी बिहार है। चलिए अच्छा लगा भैया। चलिए ये भी ब्लॉगिंग करते हैं और देखिए यहाँ पे हेलमेट भी लगाए हुए हैं और यहाँ पे इनका चैनल का नाम भी लिखा हुआ है। और इधर भी देख लीजिए दो दो झंडा यहाँ पे लगाए हुए हैं हनुमान जी का। और अभी अयोध्या में मुझे मुलाकात इनसे हो गया है। और उधर देखिए, उधर दिखाइएगा लता मंगेशकर चौक पर अभी हम मौजूद है। और यहाँ पे देखिए वीणा कितना बड़ा, यहाँ पे वीणा आपको देखने को मिल पा रहा होगा। दिखाएंगे कैमरामैन किस तरीके से इतना बड़ा वीणा है जो अभी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे जो दृश्य है वो आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उधर भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से उधर भी दिखाइए। चलिए उधर चलिए दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे देखिए बहुत ही भक्त है, जो भक्त है राम भक्त। देखिए दिखाइएगा इधर, देखिए राम के आने से अयोध्या पावन हुई, चलिए दादाजी थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। देखिए लता मंगेशकर चौक पर थे और किस तरीके से यहाँ पे वीणा जो है वो उसका दृश्य आपको दिखा रहे हैं, कितना बड़ा यहाँ पे बनाया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे, दिखाइए किस तरीके से उधर जी के हनुमान जी का ऊपर एक मूर्ति भी बनाया गया है। और दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोग, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आइए। और लगातार हम आप लोगों को दो ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से उधर भी दिखाएंगे, उधर देखिए किस तरीके से जो है यहाँ का दृश्य जो है वो पहले का अयोध्या और आज का अयोध्या में फर्क हो चुका है। दिखा सकते हैं आप लोग किस तरीके से है सूर्य प्रतिमा जो बना हुआ है, और देखिए काफी अच्छा देखने में लग रहा है। आप लोग देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पे जो दृश्य है वो काफी सुंदर दिखने में लग रहा है। और आप लोग को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे अयोध्या का यहाँ पे दृश्य आप लोग दिखा रहे हैं लता मंगेशकर चौक का। यहाँ पे देख सकते हैं लता मंगेशकर का एक वीणा भी बनाया गया है जो बहुत ही बड़ा है, देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है। फिलहाल आप लोगों को वीडियो देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम विकास है, अभी के एडिशन देख रहे थे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।